जब तक हम सीख रहे हैं तब तक हम जीत रहे हैं। सीखना बंद यानी कि सब कुछ खत्म। भले ही आप किसी भी लेवल पे हो, अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो सब कुछ खत्म हो गया। आर्ट की जब भी हम बात करते हैं, आज के लेसन में भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करने वाला हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है सीखने के लिए ये चीज़। ये छोटी सी चीज़ आप अगर समझ जाते हो तो सिर्फ आज के इस लेसन में ही नहीं, बाकी बहुत सारे आपके ज़िंदगी के बहुत सारे फंडे में ये काम आएगा। अक्सर बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आर्ट में हम कैसे आगे बढ़ें, प्रोफेशनली कैसे बढ़ें। मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ कि आर्ट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी। आर्ट का कोई भी फॉर्म हो, डांस, सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, ओके, कोई स्पोर्ट्स भी होता है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसमें प्रैक्टिकल लर्निंग ज़रूरी होती है, वहाँ पे आप डिग्री या कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा वो सब काम नहीं आता। वहाँ पे काम आता है आपका प्रैक्टिकल लर्निंग, कि आपको कितना आता है, आपके फील्ड के बारे में आप कितना जानते हो वो मैटर करता है। आप कितना भी अच्छा सिंगिंग के बारे में जानते हो, अगर आप गा रहे हो और कोई सुनना नहीं चाहता तो आप सिंगिंग में नहीं जा सकते। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे मुझे रियल लाइफ एग्जांपल्स भी मिलते रहते हैं। मैं एक ट्रेनिंग रन करता हूँ ऑनलाइन, ड्राइंग मास्टरी नाम की, जहाँ पे मैं प्रैक्टिकल लर्निंग्स, ड्राइंग स्किल्स, फंडामेंटल्स, फाउंडेशन, ये सब चीज़ें सिखाता हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स सीख रहे हैं और उनके कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और इसको शेयर करने का मकसद ये है कि मैं आपको लाइव एग्जांपल दे सकूं, क्योंकि जब मैंने शुरू में ये ट्रेनिंग शुरू की थी, शुरू में पहली बार जब मैं ये सब बोलना शुरू किया था यूट्यूब पे, ऑफलाइन तो मैं बहुत बोलता था, लेकिन जब मैंने ऑनलाइन बोलना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, ये बोल के कि नहीं डिग्री चाहिए, ये बोल के कि नहीं आपको डिप्लोमा करना ही पड़ता है, नहीं तो नहीं हो पाता। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको रियल लाइफ दिखा सकूँ मैं कि लर्निंग ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिकलिटी, आपका प्रैक्टिकल स्किल स्ट्रांग होना ज़रूरी है, फिर कोई आपसे डिग्री नहीं पूछेगा, आप डेफिनेटली 100% इस फील्ड में सक्सेसफुल हो पाओगे। खैर, आज के ये जो लेसन है इसमें मैं कंपोजिशन के ऊपर एक लेसन शेयर करने वाला हूँ। ये लेसन कुछ ऐसा थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं है, वैसे तो कंपोजिशन में बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये एक चीज़ है जो आप डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर करके आप अपने कंपोजिशन को और थोड़ा बेटर कर सकते हो। अपना एस्थेटिक सेंस, एक होता है ना इंट्यूशन जिसको बोलते हैं, इंट्यूशन का मतलब वो कि आपको अंदर से गट फीलिंग आती है, आपको फील होता है कि नहीं यार ये सही नहीं लग रहा, ये सही लग रहा है। कोई रूल्स नहीं है वहाँ पे, कोई आपको बोल नहीं रहा यहाँ पे 2+2 4 होता है या 5+3 8 होता है, ऐसा प्लस माइनस कोई मैथ नहीं है, कोई साइंस नहीं है, लेकिन एक अंदर से फील आने वाली जो बात है ना कि खुद लगता है नहीं यार ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है, कोई वहाँ पर रूल नहीं है। ऐसा होता है ना कि दो चीज़ है, हमें अपने आप फील होता है कि ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, उसमें कोई फिक्स नहीं है, किसी को वो ज़्यादा बेटर लग रहा होता है। तो ऐसे ही आज जो ये चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन स्केचिंग करते समय, डेली प्रैक्टिस करते समय आप इस तरीके के कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके अपने कॉम्पोजिशन को ट्राई कर सकते हो अलग अलग चीज़ों को सेट करके। और ये चीज़ें मैं कर रहा था, मैंने सोचा कुछ सैम्पल इमेजेस लेके मैं उसको कॉम्पोज करके देखूं, सोचा कुछ अच्छे इमेजेस लूं, और अच्छे इमेजेस का नाम सुन के मुझे अपना चेहरा याद आया तो मैंने अपने ही इमेजेस लिए हैं। जस्ट कीडिंग, बट मज़ा आया इसको प्रैक्टिकली करने में, एक्सपेरिमेंट करके देखने में, और यहाँ पे मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि ये लेसन आपको भी अच्छा लगे, इसको एंड तक ज़रूर देखना। तो आज के इस लेसन में मैं स्केच कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि मैंने अपनी ही फ़ोटो ली है और रैंडमली मैं यहाँ पे अपनी इमेजेस ले रहा हूँ और उसको स्केच कर रहा हूँ। अब इस पूरे प्रोसेस में, ये मैंने रफली अपने स्केचबुक में बनाया है, तो इस पूरे प्रोसेस में मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कवर किए, कुछ पॉइंट्स ऐसे समझे जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगे मुझे अपने स्किल के लेवल पे ग्रोथ पाने के लिए। तो मुझे लगा ये लेसन आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए, आप सभी को भी कुछ जानने को मिलेगा और मज़ा आएगा। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो, और लाइक बटन ज़रूर दबाना, उससे पता चलता है कि आपको ये लेसन पसंद आ रहे हैं ताकि मैं और ऐसे लेसन बना सकूं। तो मैंने सबसे पहले अपनी एक इमेज ली। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे अपनी ही इमेज लेता, बस मुझे अपनी इमेज को, इमेज अच्छी लगी, और क्योंकि मेरे पास मेरी खुद की बहुत सारी इमेजेस हैं, क्योंकि मैं अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे खासकर, तो वहाँ पे मेरी फ़ोटोज़ बहुत इस्तेमाल होती हैं, तो बहुत फ़ोटोज़ थी मेरी अपनी। तो इस तरीके से आप भी ऐसा कर सकते हो, या तो आप खुद की इमेजेस ले सकते हो, या फिर आप किसी अपने फैमिली मेम्बर की, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एनिमल्स के, अगर आपको एनिमल लवर हो या फिर आप एक बर्ड लवर हो, तो ऐसे अलग अलग लिविंग क्रिएचर की भी आप इमेजेस ले सकते हो, या फिर इनफैक्ट आप नॉन लिविंग थिंग की भी आप इमेजेस ले सकते हो, जैसे भी आपका जो भी इंटरेस्ट हो। अब यहाँ पे जो मेन फैक्टर है, मैं जो ये स्केच कर रहा था, तो शुरू में मैं रफली बस स्केचिंग करने के हिसाब से मैं ये स्केच कर रहा था कि ट्राई करते हैं
अपनी इमेज को लेके कि मैं एक ऐसा रफ स्केच बनाऊँ जिसको जिसमें मैं ज़्यादा डिटेल ऐड ना करूँ बट ऐसा फील आए कि ये मैं ही हूँ, मतलब देख के ऊपर ऊपर से ऐसा फील दे कि हाँ ये मैंने खुद का ही स्केच किया, ऐसा ना लगे कि मैं किसी और को बना दिया हूँ, ठीक है। तो एक लाइकनेस जो होती है, एक फील जो होती है, मैं वो चाह रहा था कि वो आए। तो वही मेरी कोशिश है ये स्केच को करते समय कि यहाँ पे मैं बिना डिटेल दिए, बिना आँख नाक मुंह में कोई डिटेल दिए या बिना कोई ज़्यादा बारीकी ऐड किए, पेन से बहुत ही हल्के हल्के स्ट्रोक ऐड कर करके मैं एक ऐसा इम्प्रेशन दूँ कि फील आए कि मैंने खुद की इमेज बनाई है। जैसे कि हम अपनी परछाई देखते हैं तो लगता है ना परछाई हमारी ही है, उसकी जो बनावट है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो फील दे देता है, तो वो फील में चाह रहा था। तो इस तरीके से मैंने ये चीज़ करने का सोचा, और ये चीज़ जब मैंने किया तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये छोटी सी, ये छोटा सा प्रैक्टिस, ये छोटा सा लेसन जो यहाँ पे भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये हमें बाकी जगह पे भी काम आता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि वाटर कलर के जो आर्टिस्ट होते हैं या फिर और भी जो अलग अलग मीडियम्स के आर्टिस्ट होते हैं, ऑयल पेंटिंग के या डिफरेंट मीडियम्स के, जब भी वही कोई बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सा लैंडस्केप सीन बनाते हैं या फिर एक ऐसा सीन बनाते हैं जहाँ पर बहुत सारे फिगर अवेलेबल होते हैं जिसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स पे बनाया नहीं जाता बट एक इम्प्रेशन दिया जाता है कि वो फिगर उसी का है जिसका वो दिखाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे बिना डिटेल दिए वो ऐसा इम्प्रेशन देते हैं बहुत ही कम स्ट्रोक में, जिसके वजह से ऐसा फील होता है कि हाँ इन्होंने उसी का ही फिगर बनाया, किसी और का नहीं। तो ऐसे बहुत जगहों पर ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम सीखते हैं वो काम में आती है, ओके। और वो छोटा सा इम्प्रेशन, आपने मान लीजिए आपने बहुत ही खूबसूरत सा लैंडस्केप बनाया है, उसमें आप सिर्फ एक फिगर बनाना चाहते हो, अगर वो फिगर ही बिगड़ गया तो आपका जो मेन फोकल पॉइंट है तो वही बिगड़ गया, तो पूरी पेंटिंग का जो स्ट्रेंथ है, जो मज़ा है, वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ये जो चीज़ें होती हैं जो हम रफ़ स्केचेस बनाते हैं अपने पेपर पे, रफ़ कॉपीज़ पे, रफ़ अपने स्केचबुक्स पे, वो हमें स्ट्रेंथ देती है, वो हमें ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती है कि हम अपने फाइनल वर्क में, हम अपने पेंटिंग्स में इन सब चीज़ों को और स्ट्रेंथ के साथ और मजबूती के साथ शो कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसलिए यहाँ पर आप देखो कि मैं बहुत ही हल्के हाथों से पेन की मदद से ये रफ़ एक इम्प्रेशन बना रहा हूँ अपनी ही इमेज का। और यहाँ पे अपनी फ़ोटो लेना या फिर अपने किसी परिवार वाले की, कोई रिलेटिव की फ़ोटो लेना और ज़्यादा हेल्पफुल इसलिए भी है क्योंकि क्या है, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को जानते हो, आप अपने फैमिली वाले को जिससे आप क्लोज़ हो उनकी बॉडी लैंग्वेज को जानते हो, तो जब आप ये स्केच बनाओगे तो आप इजीली जज कर पाओगे कि हाँ ये मेरे जैसा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर आप जिस रिलेटिव की या जिस परिवार वाले में जो भी आपके क्लोज़ हैं, कोई फ्रेंड्स है, उनके वर्क, उनका कोई ऐसा फिगरेटिव स्केच बनाते हो बिना डिटेल के, बस उनकी आकार से ऐसा फील आ रहा है कि ये वही हैं जिनकी आपने स्केच बनाई है, अगर ऐसा फील आ रहा है तो उसमें काफ़ी इजीली आप चेक कर सकते हो कि यार ये सही में उनके जैसा फील दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और आप डायरेक्टली उनसे पूछ भी सकते हो। अगर मैं अपने किसी दोस्त की ऐसे स्केच बनाऊँ तो मैं डायरेक्ट उस दोस्त से पूछ सकता हूँ, ओके। तो ये बहुत ईजीली चेक करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और अगर आप खुद की बना रहे हो तो आप खुद भी ऑनेस्टली अपने आप को बता सकते हो कि ये मेरे जैसा फील दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मेरी बॉडी के जैसा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब क्योंकि आप लोग मुझे भी बहुत, अगर आप मेरे से पहले से कनेक्टेड हो, मेरे वीडियोस को देखते आ रहे हो बहुत टाइम से, तो आप लोग भी, मैं जो अभी ये स्केच कर रहा हूँ आप देख के बता सकते हो कि ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं इसको बनाता हूँ। उसके बाद फिर आप देखना कि ये कैसा फील दे रहा है, ये मेरे मैंने जो ये इमेज ली अपनी खुद की वो फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। और वैसे भी मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ओके। आप सबको भी करना चाहिए अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार, क्योंकि ज़रूरी है। खुद से प्यार करोगे तो दुनिया से प्यार करोगे, और दुनिया से प्यार करोगे तो दुनिया आपसे प्यार करेगी। तो सबसे पहले शुरुआत होती है खुद से प्यार करने से। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, आप कोई भी काम, अपना अपने काम को इंपॉर्टेंस दोगे ना, अपने पैशन को ना अपने ड्रीम्स को इंपॉर्टेंस दे पाओगे कभी भी। तो हर एक चीज़, हर एक महान काम शुरू होता है खुद को प्यार करने से, हर एक अच्छा रिलेशन शुरू होता है खुद के साथ रिलेशनशिप अच्छी करने से। तो इसीलिए मैं अपनी इमेजेस कई बार लेता हूँ, अपने पोर्ट्रेट्स कई बार बनाता हूँ, और वो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग फील करवाते हैं। सो अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो डेफ़िनेटली अपने इमेजेस लो, अगर नहीं करते हो तो करना शुरू करो, और फिर भी अपनी इमेजेस लेना शुरू करो, अपनी पोर्ट्रेट बनाना शुरू करो, अपने ऐसे रफ स्केचेस बनाना शुरू करो, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू करो, ओके। तो यहाँ पे मैं सिंपली लाइंस देख रहा हूँ कि कौन सी लाइन का क्या एंगल है,
कौन सी लाइन किस तरफ जा रही है, और सिंपल बहुत ही हल्के हाथों से इसमें शेडिंग जो आप बोलते हो कि वैल्यूज़ जो मैं बेसिकली जो कहा जाता है कि डार्कनेस और लाइटनेस कैसी है उसको मैं ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो बिगिनर एज ए बिगिनर लोग कर देते हैं वो ये कि एक ही बार में डार्क करने की कोशिश करते हैं कि यार शर्ट तो ब्लैक कलर की है पूरा डार्क कर दो। नहीं, यहाँ पे शर्ट ब्लैक कलर की हमें वो नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि उस ब्लैक में भी अलग अलग वैल्यूज़ हैं, कहीं पे ज़्यादा डार्क है कहीं पे कम डार्क है। तो हमें शुरू से एक बार में पूरा डार्क नहीं कर देना, हमें हल्के हाथों से धीरे 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 डार्कनेस ऐड करनी है, क्योंकि आप देख सकते हो कि मैं डिटेलिंग्स नहीं दे रहा हूँ, आँख नाक मुँह मैंने नहीं बनाए हैं, मैंने बस इंप्रेशन दिए, आँखों की जगह बस मैंने थोड़ा स्क्रिबल किया है ताकि वो डार्क आँखें जैसे दिख रहा है, लिप्स की जगह मैंने लिप्स बनाए नहीं है, बस हल्का सा वहाँ पे और डार्कनेस ऐड किया ताकि वो लगे कि हाँ वहाँ थोड़ा सा मूछ वाली पार्ट जो है, जो बियर्ड जो दाढ़ी वाला एरिया थोड़ा सा डार्क है, तो बस हल्का हल्का डार्कनेस और लाइटनेस करके मैं इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ वैसी ही फील दे रही है कि नहीं दे रही है जैसी ये इमेज में दिख रही है। तो किसी चीज़ को मैं बना नहीं रहा हूँ, बस उसका इंप्रेशन दे रहा हूँ, ऐसा फील देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वही है बिना उसको बनाए। ओके, अब यहाँ पे मैं वीडियो को हालांकि थोड़ा स्पीड करके दिखाऊंगा आपको पूरी वीडियो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्चुअल में मुझे टाइम लगा था, मुझे करीब 1.5 घंटे लगे थे पूरे स्केच को बनाने में, बट इसको मैं छोटे रूप में आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने डिस्कवर किए आपको मैं बताना चाह रहा था। इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो ध्यान से सुनते भी जाओ, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो मैं यहाँ पे कवर करते रहता हूँ अपने स्केचिंग्स में, अपने रफ आर्टवर्क जो भी मैं रफ वर्क्स फाइनल वर्क्स जो भी मैं शेयर करता हूँ उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मैं कवर करता हूँ जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत ज़रूरी है, अगर आप उसको मिस कर दोगे तो बहुत ही एक प्रीशियस नॉलेज आप मिस कर दोगे, क्योंकि ये सारी नॉलेज मैंने पता नहीं कितनी इन्वेस्टमेंट की है, कितनी जगह पे धक्के खा के सीखा है सब कुछ। तो आई रिक्वेस्ट यू कि इन सब पॉइंट्स को लिखना ज़रूर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक इमेज ली अपनी और उसको मैंने रफली स्केच किया, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है ना, जब आप अपने रफ पेपर पे ऐसे छोटे छोटे स्केचेस बनाते रहते हो तो आपको ओवरऑल एक्सप्रेशन कैसे देना है किसी बॉडी लैंग्वेज का हो, या हो सकता है आप किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हो, तो आप इस तरीके के छोटे छोटे जब स्केचेस बनाते रहते हो अपने रफ पेपर पे तो आपको आइडिया मिल जाता है, आपको एक आपकी आंखें डेवलप होने लग जाती हैं उस फील को कैप्चर करने में, उस फील को। कई लोग बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स ऐड कर देते हैं लेकिन फील ही नहीं आता कि ये उसी इंसान का चेहरा है या उसी इंसान की बॉडी है, वो फील चला जाता है, ठीक है। और वो फील चला गया तो वहीं पे खेल ख़त्म हो गया, भले कितनी भी डिटेलिंग्स ऐड कर दो। तो यहाँ बिना किसी डिटेलिंग ऐड किए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो फील लाने का कि ये मेरी ही बॉडी को मैं स्केच कर रहा हूँ, कि खड़े होने का तरीका, झुकने का तरीका, टेढ़ा होके आर्टवर्क बना रहा हूँ जो मैं इमेज में जिस तरीके से मैं खड़ा हूँ वो फील लाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। और इस तरीके से जब हम रफ पेपर पे ऐसे स्केचेस करते रहते हैं तो जब आप फाइनल पेंटिंग्स बनाओगे, फाइनल आर्टवर्क्स बनाओगे, तो बहुत ही कम जगह होगी या फिर बहुत ही कम डिटेलिंग्स के साथ या फिर बहुत ज़्यादा कैरेक्टर आपके वर्क में है तो छोटे छोटे कैरेक्टर में भी आप इम्प्रेशन दे पाओगे, एक्सप्रेशन फील करवा पाओगे कि हाँ ये उसी की तस्वीर या ये उसी का स्केच है जो मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है, ये स्केच आपको बहुत ही नॉर्मल लगेगा लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है ये बहुत ही एडवांस स्टडीज़ में सिखाया जाता है, बहुत एडवांस लेवल पे ये चीज़ें बताई जाती हैं कि किस तरीके से हम एक आर्टवर्क में एक्सप्रेशन पाते हैं, एक कैसे एक आर्टवर्क में छोटे से कम इन्फॉर्मेशन के साथ हम एक्सप्रेस कर पाते हैं जो भी चीज़ हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। जब मैंने ये वाला एक सिंगल स्ट्रक्चर बना लिया, एक सिंगल इमेज को मैंने लेके बना लिया, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी और भी इमेजेस लूँगा जिसको मैं इस तरीके से स्केच करूँगा। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ और सीखी जो है कि कंपोजिशन। ओके, कंपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कंपोजिशन किसी भी आर्टवर्क को जब हम बनाना शुरू करते हैं उससे पहले हम उसको कंपोज करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ बनेगी तो अच्छी दिखेगी, कौन सी चीज़ नहीं बनेगी तो ज़्यादा अच्छी दिखेगी, या कौन सी चीज़ को हमें इंक्लूड करना है अपने पिक्चर में या कौन सी चीज़ को हमें हटा देना है। अननेसेसरी ज़्यादा चीज़ें भी ऐड करने से कभी कभी इम्प्रेशन ख़त्म, जो मज़ा है ना वो ख़त्म हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि जब बहुत सारे शेफ़ एक खाना को बनाते हैं तो वो खाना बर्बाद हो जाता है, बहुत सारे जब मास्टर शेफ़ एक खाना में अपना सारा दिमाग लगा देते हैं तो वो खाना बर्बाद हो जाता है। तो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ओके, एक टीम, जैसे क्रिकेट की टीम होती है तो सारे बैट्समैन नहीं होते या सारे बॉलर नहीं होते, कुछ बैट्समैन होते हैं, कुछ बॉलर होते हैं, एक विकेट कीपर होता है, कुछ ज़्यादा अच्छे फील्डर्स होते हैं, कुछ
ऑलराउंडर होते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि दुनिया के सारे बेस्ट बैट्समैन को एक टीम में मिला दिया तो वो सबसे वो हमेशा जीतने वाली टीम बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो कॉम्बिनेशन ज़रूरी है, वो पकड़ ज़रूरी है उन 11 लोगों की टीम के बीच में, जो बाइंडिंग फैक्टर जो उनको पकड़ के रखता है वो ज़रूरी है, और वो कॉम्बिनेशन मेन इंग्रेडिएंट है उनको मैच जिताने के लिए। वैसे ही आर्ट में कोई भी पेंटिंग बनने से पहले कंपोजिशन सेट किया जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ बनेगी, कौन सी चीज़ नहीं बनेगी या कौन सी चीज़ बननी चाहिए, और उसको बनाने के लिए, उसको सेट करने के लिए हमें कई बार एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है, हमें कई सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, कई सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ती है अपने स्केचबुक में। और ये जब मैं ये वाला जो स्केच बना रहा हूँ, ये मैंने रफली बनाया, इसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हाईफाई चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको कि इतना बड़ा पोर्ट्रेट मैंने बनाया, इतना बारीक किया। मैं आपको यहाँ पर सुंदरता नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको बस अपने बिहाइंड द सीन, अपना जो नेचुरल फॉर्म है जो मैं स्टूडियो में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या जो चीज़ें मैं रफली अपने पेपर पे कर करके सीख रहा हूँ, या जिससे मुझे आइडियाज़ मिलते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जो रॉ फॉर्म है, ओके, जो कच्चा पदार्थ है वो देखो, ताकि आपके अंदर वो चीज़ें आएँ और आप अपना जो फाइनल वर्क है आप अपनी नॉलेज से निकालो, न कि मेरे से कॉपी करके। आप खुद इतने काबिल बनो कि आप मुझसे ज़्यादा बेहतर कर पाओ, ठीक है। वो चीज़ मैं चाहता हूँ आपके साथ कि आप मुझसे ज़्यादा बेहतर कर पाओ, और उसको करने के लिए जो बेस है वो चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने टोटल 4 इमेजेस लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक और इमेज लिया। यहाँ पे मैं इंटेंशनली, मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये इमेज लूँगा, बस मैं कंपोज करने के हिसाब से कि एक इस तरफ देख रहा है, एक सामने की तरफ देखता हुआ फेस, एक लेफ्ट की तरफ देखता हुआ, एक राइट की तरफ देखता हुआ, तो मैं कुछ अपने ही इमेज को इधर उधर सेट करके देख रहा हूँ कि कैसे ये ओवरऑल फील दे रहा है। अगर मुझे ये कंपोजिशन अच्छी लगती है तो हो सकता है मैं फ्यूचर में इसको किसी पेंटिंग में इस्तेमाल कर सकूँ, हो सकता है कि कोई मैं अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट बना रहा हूँ वहाँ पे मैं इसको इस्तेमाल करूँ। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस हमें हेल्प करते हैं हमारी कॉम्पोजिशन को इम्प्रूव करने में। तो यहाँ पे आपका एक टास्क है अपनी कॉम्पोजिशन को इम्प्रूव करने में, कि अपनी ऐसे ही आप अपनी 4, 5, 10 इमेज को लो जितनी आपको अच्छी लगे, या अपने परिवार वालों की, और उनको एक दूसरे के आगे पीछे ऊपर नीचे छोटा बड़ा करके सेट करो अपने स्केचबुक्स में, और उसको शेयर करो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करते, और मुझे टैग जरूर करना एंड हैशटैग इस्तेमाल करना कॉम्पोजिशन विथ रियांश राहुल, आई वुड लव टू सी योर वर्क। तो आई होप कि आपको ये वीडियो, ये लेसन अच्छा लगा हो, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो, लाइक करके कमेंट करके, क्योंकि ये सारे लेसन जो बीच बीच में मैं बना रहा हूँ मुझे तभी पता चलता है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है जब आप इसको बताते हो। एंड मेन चीज़ है ना कि जैसे इस वीडियो में, इस लेसन में मैंने बस एक रफली एक आपको हिंट दिया है, किसी भी चीज़ से हम बात देनी हो जाते हैं अगर हमें फंडामेंटली चीज़ें पता होती हैं, हमें अगर पता है कि कॉम्पोजिशन क्या होता है, अगर हमें पता है कि फाउंडेशनल लेवल पे ड्राइंग और अदर जो प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज़ और जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, अगर हमें पता है तो हमें कुछ ना कुछ डेली खुद ब खुद उसको प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते रहने चाहिए। कॉम्पोजिशन के रूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो तरीका था, एक बेसिक सा तरीका, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। ये क्या है, आप डेली बैठे बैठे कुछ चीज़ें कंपोज करके, अपनी इमेज लेके, किसी और की इमेज लेके कंपोज कर करके खुद ट्राई कर सकते हो। ओके, ऑनलाइन भी आप वर्क्स देखते हो दूसरे आर्टिस्टों के, दूसरे इमेजेस देखते हो, फोटोग्राफी देखते हो, तो उन सबको भी आप एडिटिंग वगैरह करके थोड़ा टेस्ट कर करके खुद भी देख सकते हो। तो ऐसे में भी आपका एस्थेटिक सेंस डेवलप होता रहेगा। सीखने का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं एक फलाने कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पे कोई चैप्टर पढ़ाता है कोई तो हम सीखते हैं। सीखने का मतलब ये है कि हम लाइफ से सीख रहे होते हैं, हम हर समय जीते सोते जागते घूमते फिरते सीख रहे होते हैं, हम अपने वातावरण से सीख रहे होते हैं, हम अपने एनवायरमेंट से जहाँ हम रहते हैं, हम पेड़ पौधों से सीख रहे होते हैं, नेचर से सीख रहे होते हैं, सीखना हर जगह चलते रहता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप खुद डिस्कवर करते रहनी चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ आप ट्राई कर सकते हो जिससे आप सीख सको। तो ये एक छोटा सा तरीका था जो मैंने आपको शेयर किया कि खुद इमेजेस लो, उसको कंपोज कर करके अपने स्केचबुक में रफली ट्राई करो, सो दैट वो कंपोजिशन अगर अच्छी लगती है तो बाद में उसके ऊपर एक फाइनल पेंटिंग भी बनाई जा सकती है। तो ये चीज़ें चलती रहती है। कोई सिंगर भी होता है, कोई कंपोजर होता है तो वो म्यूजिक ट्राई करते रहता है, कोई लिरिसिस्ट होता है तो वो लिखते रहता है, लाइंस रिदम बन जाती है, फिर वो धीरे धीरे उसमें गाना बन जाता है। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती है रफली बिहाइंड द सीन। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ड्रॉइंग मास्टर ट्रेनिंग के बारे में भी आप लोगों का बहुत सारा मैसेज आता है कि ट्रेनिंग कैसे ज्वाइन करें, इसकी डिटेल्स क्या है। तो यहाँ पे मैंने दो वीडियो शेयर कर रहा हूँ, लिंक में भी डाल रहा हूँ, इसको जाके ज़रूर देखें। ट्रेनिंग के बारे में सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएगी, एंड बहुत जल्द ये ट्रेनिंग का जो फीस है वो बढ़ने वाला है, बहुत लिमिटेड सीट्स बची हैं। फीस बढ़ाने का कारण भी ये है कि जब ये ट्रेनिंग शुरू हुई थी
तो इस ट्रेनिंग को बनाने के पीछे जो बहुत बड़ा एक कॉस्ट लगा था, लेकिन शुरू में बहुत ही लिमिटेड सीट्स के लिए ट्रेनिंग मैंने शुरू की थी, लेकिन इतना ज़्यादा प्यार मिला, इतना ज़्यादा आर्ट के लवर इससे जुड़े, और जैसे जैसे आर्ट के लवर्स ग्रो होने लगे तो और ज़्यादा लोग जुड़ने लगे, जिसके वजह से सीट्स बहुत फास्ट फिलअप हुई हैं। ये चीज़ मैंने पहले भी शेयर की थी, और इसलिए बहुत कम सीट्स बची हैं जिसके बाद इसकी फ़ीस बढ़ जाएगी। सो ये चीज़ मैं एक बार और यहाँ पे शेयर करना चाहता था। खैर, इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में अगर आपको जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना, कोई चीज़ अगर आपको समझ ना आई हो, या फिर अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वो भी चीज़ आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं आने वाले वीडियो में। कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग, ओके, लर्निंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड लॉट्स ऑफ लव।